क्या आपको याद है वो दिन जब हमारे घरों के आंगन और पेड़ों पर चिड़ियों की मधुर चहचहाहट गूंजा करती थी? वो चिड़िया जो हमारी संस्कृति और बचपन की यादों का अहम हिस्सा थी, आज लुप्त होती जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में एक बार फिर पर्यावरण और जीव संरक्षण की दिशा में जागरूकता बढ़ाने की अपील की। उन्होंने कहा कि चिड़ियों, विशेष रूप से गौरैया को बचाने के लिए देश भर में अनोखे प्रयास किए जा रहे हैं। जिन्होंने गौरैया को सिर्फ तस्वीरों या वीडियो में देखा है, ऐसे बच्चों के जीवन में इस प्यारी पक्षी की वापसी के लिए कुछ अनोखे प्रयास हो रहे हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारी प्यारी गौरैया आज कितनी दुर्लभ हो गई है? शहरों में बढ़ते शहरीकरण, मोबाइल टावरों से निकलने वाले रेडिएशन और पेड़ों की कटाई ने इन मासूम पक्षियों के जीवन पर संकट खड़ा कर दिया है। लेकिन भारत में कई संगठन और आम नागरिक इन पक्षियों को बचाने के लिए सराहनीय काम कर रहे हैं। गुजरात, राजस्थान, दिल्ली और कई अन्य राज्यों में लोगों ने स्पैरो हाउस बनाना शुरू किया है। ये छोटे छोटे लकड़ी या मिट्टी के घर हैं, जहां गौरैया सुरक्षित रह सकती हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हर नागरिक को इन प्रयासों में योगदान देना चाहिए। अगर हर घर में एक स्पैरो हाउस हो तो हम गौरैया की संख्या को फिर से बढ़ा सकते हैं। उनके शब्द थे, हमारी धरती पर हर जीव का हक है और हमें उनके संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। दिल्ली की रहने वाली स्नेहा ने अपने घर में 5 स्पैरो हाउस लगाए हैं और कहती हैं, यह देखना अद्भुत है कि गौरैया हमारे आंगन में फिर से लौट आई। गौरैया को बचाने का यह अभियान ना केवल हमारी पारिस्थितिकी को संतुलित रखेगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को प्रकृति की इस खूबसूरत धरोहर से जोड़कर भी रखेगा। तो आइए हम सब मिलकर एक छोटा कदम बढ़ाएं और गौरैया के लिए एक सुरक्षित आशियाना बनाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। गौरैया बचाने के आपके अनोखे प्रयासों की कहानियां हमारे साथ कमेंट में साझा करें।